डेंगू का बुखार मच्छर के काटने से होता है। डेंगू का मच्छर दूसरे मच्छरों से काफी ज्यादा अलग होता है। कहा जाता है कि मादा एडीज के काटने पर डेंगू का बुखार होता है, जो कि दुनिया भर में पाया जाता है। मादा एडीज इतनी ताकतवर होती है कि वो गर्म से गर्म जगह में सालों तक जिंदा रह सकती है, जिसकी वजह से ये भारत में ज्यादा होती है। ये इंसानों के साथ जानवरों को भी काटकर उसे डेंगू का शिकार बना सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता लगाया जाए कि डेंगू वाला मच्छर कौन सा है। जिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है उसका नाम मादा एडीज मच्छर है। अब आप सोचेंगे कि नर एडीज नहीं काटता है क्या? तो कई रिसर्च किए गए जिसमें इस बात का पता नहीं चला कि नर एडीज काटता है। मादा एडीज नॉर्मल मच्छर से काफी ज्यादा अलग होता है। इसके पीठ पर धारियां होती हैं। ये मच्छर अक्सर तेज रोशनी में काटता है। डेंगू के मच्छर खासकर दिन के समय काटते हैं, वहीं रात के वक्त तेज रोशनी में ये मच्छर काटता है। इसलिए सुबह और रात में तेज रोशनी में खुद को सुरक्षित रखें, तो आप डेंगू के मच्छर से बच सकते हैं। इस मच्छर के साथ एक और खास बात है कि ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती। ये बस इंसान के घुटने तक ही उड़ पाता है। जब डेंगू फैलने लगे तो ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप पूरे बाजू के कपड़े पहने और पांव को ढककर रखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेंगू के मच्छर गंदे नाली या डैम में नहीं पनपते, बल्कि साफ सुथरे पानी में भी पनपने लगते हैं। इसलिए कहीं भी पानी जमा हो तो तुरंत उसे साफ करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।